बच्चे का साया है, मैंने देखा है। वो देखिए, वहाँ कोई है वहाँ। वो वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई था, मैंने देखा, अभी देखा। वो देखिए, वहाँ वहाँ राहुल, तू कल जल्दी गुरुजी को लेकर आ। गुरुजी, हमारे घर में कुछ तो है। कुछ तो अजीब है। झूले का अपने आप झूलना, किसी बच्चे का साया है, कुछ तो बहुत डरावना है गुरुदेव हमारे घर में। कुछ तो है गुरुजी, दोनों बहुत डरे हुए हैं। अभी समस्या का आप ही कुछ निवारण कीजिए। आप चिंता मत करिए, इस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। बस आप हमें एकांत छोड़ दो, जब तक मैं नहीं बुलाता कोई बाहर नहीं आएगा, चाहे कोई भी बुलाए। जब मैं खुद आऊं तभी दरवाजा खोलूंगा। जी गुरु जी। कौन हो तुम और क्यों इन मासूम लोगों को परेशान कर रहा है? नहीं गुरुदेव, मैं इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। मेरा प्रणाम स्वीकार है। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ जो इस भूतियों में इतने सालों से बंद हो? गुरुदेव, ये मेरे माँ बाप का घर है, मैं इस घर में पला बड़ा हूँ। तो तुझे ये घर चाहिए?
नहीं गुरुदेव, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। तो इन सब में ये कहाँ थे? गुरुदेव, मैं इस घर में पला बड़ा हूँ, ये मेरे माँ बाप का घर है। ठीक से समझा नहीं। गुरुदेव, ये घर मेरे माँ बाप का था, ये घर मेरे माँ बाप का है। मैं उनका इकलौता बेटा था, बहुत प्यार करते थे मुझसे। एक दिन वो हॉल में बैठे थे और मैं ऊपर रूम में खेल रहा था। उनकी पुकार सुनकर मैं सीढ़ी के पास आया और मेरा पैर सीढ़ी से स्लिप हो गया। तो इस कहानी में ये सब लोग कहाँ आते हैं? गुरुदेव, रोहित और सोनिया ही मेरे पिछले जन्म के माँ बाप हैं। फिर तू इन्हें परेशान क्यों कर रहा है? नहीं गुरुदेव, मैं इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, मैं तो इनसे बात करना चाहता था और ये पूरी तरह डरे हुए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस भूत योनि से मुक्ति मिले मुझे और मैं फिर जन्म लेकर अपने माँ बाप से प्यार पा सकूँ। अगर तू सच कह रहा है तो मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरी परीक्षा लेना बंद कर दे, बड़ा अन्याय हुआ है तेरे साथ। गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस योनि से मुक्त कीजिए, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, तुझे जो चाहिए भगवान तुझे दे और मैं अपनी सारी शक्ति और भक्ति तुझे मुक्ति दिलाने में जरूर लगाऊंगा, बाकी सब मेरा ईश्वर देखेगा। जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग बाहर आ सकते हो। गुरुदेव, क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ, हम दोनों जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे गुरुदेव। प्रभु, आपने इन पर बहुत कृपा की, इसके लिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बराबर, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सब कृपया भोले बाबा की है। भटकों को वो मिलाता है, बिछड़ों को वो राह दिखाता है, सब कृपया उनकी है बेटे। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में जल्दी खुशी आए, अब मुझे चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अथर्व को बुलाइए खाने के लिए। बेटा अथर्व, नीचे आना।